नमस्कार, मैं प्रिया धराधर 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। अग्निपथ योजना, राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ को लेकर आक्रोशित कांग्रेस नेता सुबोध कांत सहाय ने जंतर मंतर पर सत्याग्रह के मन से पीएम मोदी पर विवादित टिप्पणी कर दी है। झारखंड से आने वाले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने हिटलर की तुलना करते हुए मर्यादा लांघ दी। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी हिटलर की राह पर चल रहे हैं और हिटलर की मौत मरेंगे। सुबोध कांत ने जिस समय यह टिप्पणी की, मंच पर कांग्रेस के कई बड़े नेता मौजूद थे और विवादित बयान पर तालियों की आवाज भी सुनी गई। महात्मा गांधी के पोते गोपाल कृष्ण गांधी ने विपक्ष की तरफ से राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनने से इनकार कर दिया है। उन्होंने बयान जारी कर कहा है कि वो संयुक्त विपक्ष की तरफ से अपने नाम की पेशकश किए जाने को लेकर आभारी है। इसके साथ ही उन्होंने अपनी उम्मीदवारी से भी इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा है कि मैं विपक्ष से उम्मीद करूंगा कि वो किसी और के नाम पर विचार करे जो मुझसे कहीं बेहतर राष्ट्रपति साबित हो सकता है। आज विभिन्न छात्र संगठनों की तरफ से बुलाया गया भारत बंद का मिला जुला असर देखने को मिला। हालांकि राजधानी पटना में किसी तरीके की कोई खास चहलकदमी देखने को नहीं मिली। पूरे दिन माहौल शांत रहा। हालांकि कुछ इलाकों में जरूर छात्रों का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी के चलते घिरी नुपुर शर्मा के खिलाफ बंगाल विधानसभा में प्रस्ताव पेश किया गया है। यह प्रस्ताव ममता बनर्जी सरकार लाई थी, जिस पर हंगामा मच गया है। इस प्रस्ताव के विरोध में शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में भाजपा के विधायक ने वॉकआउट कर दिया। इस प्रस्ताव में ममता सरकार ने आरोप लगाया है कि भाजपा नफरत की राजनीति कर रही है। यही नहीं, इससे पहले खुद ममता बनर्जी भी कई बार नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग कर चुकी है। अग्निपथ योजना के खिलाफ भारत बंद के ऐलान और राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ के बीच दिल्ली में कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर, रेल पटरियों पर उतर चुके हैं। नई दिल्ली में शिवाजी ब्रिज स्टेशन पर बड़ी संख्या में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता जुटे हुए नजर आए। इस दौरान उन्होंने एक ट्रेन का रास्ता भी रोक दिया और इंजन पर चढ़ गए। सुरक्षा कर्मियों ने काफी मशक्कत के साथ इन्हें हटाकर ट्रेन को रवाना किया। इधर कनॉट प्लेस में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर नारेबाजी की और बसों के आगे खड़े हो गए। पंजाबी सिंगर और कांग्रेस नेता सिद्धू मूसेवाला की सनसनीखेज हत्या के मामले में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने शूटरों के एक मॉड्यूल हेड समेत दो मुख्य शूटरों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने इनके पास से बड़ी संख्या में हथियार और विस्फोटक बरामद किए हैं। पुलिस लाठीचार्ज में कांग्रेस के एक नेता की आंख की रोशनी चली गई है। मामला केरल के इडुक्की जिले का है। डॉक्टरों ने कहा है कि यूथ कांग्रेस इडुक्की जिले के महासचिव बिलाल समद की पिछले हफ्ते थोडुपुझा में पुलिस लाठीचार्ज में एक आंख की रोशनी चली गई थी। लाठीचार्ज में घायल होने के बाद समद को एनार्कुलम के अंग मल्ली के लिए एक निजी अस्पताल में ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसकी पलक और आंख की पुतली में 20 से अधिक टांके लगाए थे। अग्निपथ स्कीम को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। विरोधी दलों का कहना है कि मोदी सरकार इस योजना के जरिए देश की सुरक्षा दांव पर लगा रही है। हालांकि एक फैक्ट ये भी है कि देश को अधिक युवा और फिट सैनिकों की जरूरत है। खासतौर पर चीन के साथ बढ़ते हुए तनाव को देखते हुए ये और भी अहम हो जाता है। बीजिंग 3488 किलोमीटर लंबी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर सेना को बढ़ाने वाले हैं। भाजपा प्रवक्ता समित पात्रा ने सोमवार को नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर गांधी परिवार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को पता होना चाहिए कि ईडी प्रवर्तन निदेशालय है, इंटाइटलमेंट डिमांड नहीं है। संबित ने कहा है कि कांग्रेस की मांग है कि हम फर्स्ट फैमिली से आते हैं और हमारी जांच कैसे हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा है कि उन्हें मुकदमे का सामना करना पड़ेगा। राष्ट्रपति चुनाव में विपक्षी दल अभी भी उम्मीदवार की तलाश में है। एक के बाद एक बैठकें जारी है, लेकिन किसी नाम पर सहमति बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है। इस बीच बड़े नेताओं का पीछे हटना भी देरी का कारण हो सकता है। पहले जहां पर विपक्षी दलों को साथ लाने की कोशिश में जुटी तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी अब खुद चर्चा से दूर बनी हुई है। खबर है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार की तरफ से बुलाई गई बैठक में मुख्यमंत्री बनर्जी नदारदही। इधर कांग्रेस भी चर्चाओं में कम सक्रिय नजर आ रही है। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी कोरोना संक्रमित पाई गई है। उन्होंने रविवार को बताया है कि उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। कोरोना संक्रमित होने के बाद स्मृति ईरानी ने दिल्ली के राजेंद्र नगर में उपचुनाव को लेकर एक कार्यक्रम में शामिल नहीं होने के लिए नागरिकों से माफी भी मांगी। महाराष्ट्र में राज्यसभा के बाद सोमवार को विधान परिषद चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी और सत्तारूढ़ शिवसेना आमने सामने हैं। खास बात यह है कि राज्यसभा चुनाव में शिवसेना को हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन इस बार पार्टी जीत का दावा कर रही है। वहीं शिवसेना ने महाविकास अघाड़ी में फूट की बात से भी इनकार कर दिया है। मानसून की तरफ उम्मीद लगाए बैठे कुछ लोगों में तो खुशी है, जबकि अभी भी देश के कुछ हिस्सों में लोग इंतजार ही कर रहे हैं। इसी कड़ी में दिल्ली और राजस्थान के कुछ जिलों में झमाझम बारिश हुई है। एक तरफ जहां राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में लगातार बारिश से मौसम में नमी बनी हुई है, तो वहीं राजस्थान में पिछले 24 घंटे के दौरान बीकानेर, जयपुर और भरतपुर संभाग में मध्यम से तेज स्तर की मानसून पूर्व की बारिश दर्ज की गई। महिंद्रा ग्रुप ने सेना में 4 साल की सेवा के बाद अग्निवीरों की भर्तियों का ऐलान किया है। उद्योगपति आनंद महिंद्रा ने ट्वीट के जरिए यह जानकारी दी। उन्होंने अग्निपथ योजना को लेकर जारी हिंसा पर दुख जताया है। साथ ही उन्होंने अग्निवीरों को मिलने वाली ट्रेनिंग को खास बताया। देश के कई राज्यों में योजना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी है। कई संगठनों ने सोमवार को भारत बंद का ऐलान भी किया है।
तृणमूल प्रमुख ममता बनर्जी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को अंतिम रूप देने के लिए 21 जून को विपक्ष की बैठक में शामिल होने की संभावना नहीं है। इसके बजाय पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी मीटिंग में शामिल हो सकते हैं। उपचुनाव से पहले अभिषेक बनर्जी सोमवार को त्रिपुरा में एक दिवसीय अभियान कार्यक्रम में शामिल होंगे, जहां पर शाम को जनसभा में वो देखे गए। रिपोर्ट के मुताबिक इसके बाद वो विपक्ष की बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली जाएंगे, जिसे एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने बुलाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय विज्ञान संस्थान परिसर में 280 करोड़ रुपए की लागत से बने मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र का सोमवार को उद्घाटन कर दिया, जिसकी आधारशिला उन्होंने स्वयं रखी थी। प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम के दौरान 832 बिस्तर वाले बागची पार्थसारथी मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल की भी आधारशिला रखी है। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख और कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक की एमएलसी चुनाव में वोट डालने की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों विधायकों को एमएलसी चुनाव में वोट डालने के लिए अस्थायी रिहाई की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। इसके पहले अनिल देशमुख और नवाब मलिक ने महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव में वोट देने के लिए उनकी याचिका खारिज करने के बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए सोमवार को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। रक्षा सेवाओं में भर्ती की नई अग्निपथ योजना के खिलाफ देश के विभिन्न हिस्सों में हो रहे प्रदर्शनों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को देशवासियों से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को सफल बनाने की अपील की है। मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि कल यानी कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। इस बार यह आयोजन मानवता के लिए योग की थीम के तहत होगा। पश्चिम बंगाल विधानसभा में आज भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा के खिलाफ प्रस्ताव पास किया गया है। जानकारी के मुताबिक सीएम ममता बनर्जी की मौजूदगी में यह प्रस्ताव पास किया गया। इसके साथ ही ममता बनर्जी ने केंद्र की मोदी सरकार पर भी हमला बोला है। उन्होंने विधानसभा में कहा है कि मैं अल्पसंख्यक को अनुरोध करूंगी कि वो भाजपा की साजिश में न आए। जो रेजी मगर हावड़ा और डोमकल नवद्वीप में जो हुआ, हम उसका खंडन करते हैं। कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने 2022 के अंत तक स्वास्थ्य बीमा योजना ESI को पूरे देश में क्रियान्वित करने का फैसला किया है। अभी कर्मचारी राज्य बीमा योजना पूर्ण रूप से 443 जिलों और आंशिक रूप से 153 जिलों में लागू है। कुल 148 जिले अभी ESI योजना के दायरे में नहीं है। श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव की अध्यक्षता में रविवार को हुए ESIC की 188वीं बैठक में देश भर में चिकित्सा सुविधा और सेवा आपूर्ति तंत्र का विस्तार करने का फैसला किया गया है। भारतीय सेना में महिलाओं के पहले NDA बैच में रोहतक के सुडाना गांव के बेटी शनन ढाका ने प्रथम रैंक हासिल किया है। शनन की इस उपलब्धि पर गांव में खुशी का माहौल है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पिछले साल भारत सरकार ने NDA में लड़कियों के प्रवेश की अनुमति दी थी। भारत में सोमवार को एक दिन में COVID-19 के 12,781 नए मामले सामने आए हैं और संक्रमण के कुल मामलों की संख्या 4,33,09,473 पर पहुंच गई है, जबकि 130 दिनों बाद दैनिक संक्रमण दर 4% के पार चली गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सुबह 8 बजे तक अद्यतन आंकड़ों के अनुसार 18 और मरीजों के जान गंवाने से मृतकों की कुल संख्या 5,24,873 पर पहुंच गई है। केंद्र सरकार के अग्निपथ सैन्य भर्ती योजना का बिहार, झारखंड, यूपी सहित कई राज्यों में भारी विरोध हो रहा है। इधर अग्निपथ योजना के विरोध में हो रहे प्रदर्शन और कुछ संगठनों द्वारा 20 जून को भारत बंद के आह्वान इसका किया गया था। केंद्र सरकार ने जिस दिन से इस योजना की घोषणा की है, उसके दूसरे दिन से विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया गया है। सबसे पहले विरोध का स्वर बिहार से शुरू हुआ, फिर देखते देखते देश के कई राज्यों में प्रदर्शनकारी सड़क पर उतर आए थे। भारत में MBBS की पढ़ाई के लिए तैयारी करने वाले छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना। देश में डॉक्टरों की कमी को देखते हुए केंद्र की मोदी सरकार ने मेडिकल कॉलेज में सीटों की संख्या बढ़ाने का फैसला किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने रविवार को इस बात का दावा किया है कि सरकार ने देश के विभिन्न मेडिकल कॉलेज में MBBS की पढ़ाई करने वाले छात्रों की सुविधा के लिए सीटों की संख्या 2 गुनी से अधिक बढ़ाकर 1 लाख तक कर दी है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में मुठभेड़ को सुरक्षाकर्मियों ने एक आतंकवादी को ढेर कर दिया है और इसमें जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक सुरक्षा बलों ने पुलवामा के चटपोरा इलाके में घेराबंदी कर तलाशी अभियान शुरू कर दी। इसके बाद वहां मुठभेड़ शुरू हो गई। पुलिस ने बताया है कि मुठभेड़ में एक आतंकवादी की जान गई है। इससे पहले कुपवाड़ा और कुलगाम में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 4 आतंकवादियों को ढेर किया गया था। केंद्र की सैन्य भर्ती प्रक्रिया को लेकर नई योजना अग्निपथ के बारे में कथित तौर पर फर्जी खबरें फैलाने वाले 35 व्हाट्सएप समूह पर रविवार को सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है। अधिकारियों ने ये जानकारी दी कुछ दिन पहले इस योजना की घोषणा के बाद से देश के विभिन्न हिस्सों में इसके खिलाफ हिंसक विरोध के बीच में ये कदम उठाया गया है। सरकारी अधिकारियों ने कहा कि अग्निपथ योजना के बारे में कथित रूप से फर्जी खबरें फैलाने के लिए सरकार की तरफ से 35 व्हाट्सएप समूहों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। पाकिस्तान टीवी एंकर और पूर्व सांसद आमिर लियाकत की मौत को लेकर गुत्थी उलझ गई है। उनकी मौत को लेकर कई तरह की बातें कही जा रही है। इस बीच पाकिस्तान की एक कोर्ट ने आदेश दिया है कि लियाकत के शव को कब्र से निकाला जाए और पोस्टमार्टम करवाया जाए। दरअसल उनकी जान जाने के बाद फैंस ने कई तरह की आशंका जताई थी। उनमें से ही अब्दुल अहमद नाम के शख्स ने कोर्ट में एक याचिका दी थी। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के बीच हवा में ही पर्यटकों की जान फिर से अटक गई है। दरअसल यहां पर्यटक केवल कार ट्रॉली में सवार थे और ये ट्रॉली बीच हवा में ही फंस गई। जानकारी के मुताबिक परवाणू
टिम्बर ट्रेल में तकनीकी दिक्कत आने की वजह से 15 पर्यटक हवा में फंस गया है। सूचना मिलने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया था। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच बेंगलुरु में एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में 5 बार अंतिम T20 मैच बारिश की भेंट चढ़ जाने के बाद दर्शकों को उनके टिकटों के पैसे अब वापस कर दिए जाएंगे। कर्नाटक स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन ने इसकी घोषणा कर दी है। रविवार को मैच के दौरान लगातार बारिश होती रही और इसके चलते निर्णायक मुकाबले को कैंसिल कर दिया गया। मैच न होने के बाद दोनों टीम के बीच T20 सीरीज 2-2 से बराबर रही। मध्य प्रदेश में शिक्षक की नौकरी पाने का सुनहरा अवसर है। मध्य प्रदेश में गेस्ट फैकल्टी मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए 41,021 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए थे। इसके लिए 21 जून 2022 तक आवेदन दिए जा सकते हैं। एमपी गेस्ट टीचर भर्ती से आवेदन के लिए एक दिन ही बाकी बचा है। ऐसे में जो भी अभ्यर्थी मध्य प्रदेश में बतौर गेस्ट टीचर अपनी सेवा देना चाहते हैं वो gfms.mp.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर ने हमारे सवालों का सही जवाब दिया है उनके नाम है राजा शर्मा, अनिल कुमार, अरुण कुमार, राजू शर्मा, मुन्ना ठाकुर ऑफिशियल, राजू कुमार, राकेश कुमार, साकिर हुसैन, अखिलेश यादव, MD अर्शद, सुरेंद्र कुमार, अनमोल कुमार यादव। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे। हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है। आपके अनुसार देश भर में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी को देखते हुए क्या आपने कोरोना से बचाव के लिए नियमों का पालन करना शुरू किया है या नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।